मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। खंडवा जिले के मांदता विधानसभा सीट से विधायक नारायण पटेल ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सौंपा। उन्होंने इस्तीफा स्वीकार लिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 27 सीटें खाली हो गई हैं। कांग्रेस के पास अब 89 एमएलए ही बचे हैं। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस के दो विधायक प्रद्युमन सिंह लोधी और सुमित्रा देवी ने भी इस्तीफा दे दिया था। बीजेपी दावा करती रही है कि कांग्रेस के कई विधायक उसके संपर्क में हैं। नारायण पटेल ने अपने फेसबुक पेज पर चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इसके साथ लिखा, आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूँगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कृपया अफवाहों से बचें। बता दें कि इसी साल मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने करीबी 22 विधायकों के साथ कांग्रेस में बगावत कर दी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार अल्पमत में आ गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। इसके कुछ दिनों बाद ही बागी विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। अब खाली सभी सीटों पर उपचुनाव होंगे, इसके लिए कांग्रेस और बीजेपी कमर कस चुकी है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।